जी आज की वीडियो जो है वो भी सिल्वर ग्रे कलर पे है। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी और बहुत फरमाइश थी। अच्छा, ये हमारी एक ही क्लाइंट हैं जिनके बालों में काफ़ी कलर्स हैं, कुछ ब्राउन है, कुछ ब्लॉन्ड है, ब्लैक है, ग्रे है। तो इनके ये बालों को सिल्वर ग्रे की तरफ लेके जाना चाह रही थी। अच्छा जी, 20 वॉल्यूम से अगेन हमने कट डाउन बनाया। 3 चम्मच ब्लीच पाउडर और तकरीबन 4.5 चम्मच है मैंने 20 वॉल्यूम डाला। और जिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं 20 वॉल्यूम से कट डाउन करती हूँ, तो वो एक मरतबा किसी के बाल 20 वॉल्यूम से उनका कट डाउन करके देख लें कि रिजल्ट आता है। अच्छा जी, ये हम लेंथ में लगा रहे हैं सारे बालों को। बारीक बारीक स्लाइस लिए हैं ताकि कोई बीच में से बाल रह ना जाए। सब बालों को लगा रहे हैं। रूट्स में जो सफ़ेद बाल हैं आधा आधा इंच के इनके निकले हुए, वो छोड़ रहे हैं। और रूट्स में फिर हम आखिर में एंड में थोड़ी देर के लिए लगाएंगे ताकि वो भी, उसमें अगर कोई ब्लैक बाल है तो वो भी हो जाए। इस सारे प्रोसीजर में इनके बालों को इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें तकरीबन 7 घंटे लगे, पूरा दिन ही लगे। तो 2 मरतबा कट डाउन करना पड़ा है। एक मरतबा ये ब्लीच लगाई है और तकरीबन 45 मिनट्स के बाद हमें ये ब्लीच उतार के, वॉश नहीं किया, सिर्फ इसी तरह फॉइल्स में से हाथों से उतारी है और फ्रेश बना के तो दोबारा लगा दी थी ताकि अच्छा सा 9-10 लेवल पे कलर चला जाए। उसके बाद फिर हम जो कलर देंगे वो लॉरियल का जो मार्जरल वो है ग्लो 0.11 एश कलर है ये, तो वो 20 वॉल्यूम में मिक्स करके तो हम देंगे। बारीक थिन स्लाइसेस लेके तो कल इसकी एप्लीकेशन कर रहे कट डाउन की। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो होगी वो 2 वीडियोस जो हैं वो प्लान्ड हैं। उसमें एक तो ब्लैक बालों पे सिल्वर हाइलाइट्स की हैं और दूसरी जो है वो लाइलेक कलर में है। इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएंगी। पेस्टल कलर्स की बहुत फरमाइश थी तो इंशाल्लाह अब आगे जो है ये एडवांस लेवल के कलर्स ही आपको बताऊंगी। दोबारा खोला है जी हमने तकरीबन 45 मिनट्स के बाद और उसको चेक कर रहे हैं, उसको ब्लेंड कर रहे हैं कहीं बीच में कोई कलर ना रह गया हो एप्लीकेशन में, कहीं कोई बाल रह ना गया हो ना। तो अच्छी तरह से उसको खोल के दोबारा ब्लेंड ज़रूर किया करें एक बार जी। अब ये रूट्स में भी लगा रहे हैं, वो उनमें कलर आ गया हुआ है, कट डाउन हो गया है। तो अब रूट्स में जो ब्लैक बाल रह गए थे तो उनको, उनकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। उसके बाद जी वाले शैम्पू के साथ इनका वॉश कर रहे हैं। वॉश के बाद जो है ये हमने अब कलर बना के लगाया है। मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि 0.11 है लॉरियल का, 0.11 ये जो कलर है 0.11, इसका कोई भी वो लेवल नहीं होता, कि ये नहीं कि ये 6-7 लेवल का है या 8 लेवल का है। इसमें सिर्फ ये है कि ऐश कलर डला हुआ है और ये कलर इतना अच्छा इसलिए आता है कि इसमें बेस बहुत कम है, 25% बेस है, 75% जो है ना इसमें कलर 0.11 ऐश कलर है। 20 मिनट वो कलर लगा के रखे हैं, 20 मिनट के बाद इसको वॉश करके उसको कंडीशनर लगाया है और स्टाइल करके, ये आप देख सकते हैं।
बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और क्लाइंट को बहुत ही